देखिए, असमानता तो हर क्षेत्र में है। हमारे देश का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं दलित समाज से हूँ। उनका काम है छोटे से छोटा काम, सफाई का काम, नाली साफ, उनकी लैट्रिन बाथरूम साफ, उनके कपड़े धोना। तो एक तो मेरे को दलित होने का भेदभाव झेलना पड़ा, ऊपर से फिर मैं एक औरत हूँ। तो मैं जब 14.5 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई। मेरे लिए यही बोला गया कि औरत है तो बाहर नहीं जा सकती, पुरुषों से बात नहीं कर सकती, पर्दे के अंदर रहना है औरत को। तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर मतलब थोपी गई। पर मुझे वही था कि मुझे गुलामी किसी की नहीं करनी, इनको पीठ दिखा के तो भागना नहीं है, यहीं रह के मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ शिक्षा को लेकर ज़्यादा काम करती हूँ। एजुकेशन के साथ साथ अपने समाज के बारे में, हम ऐसे क्यों हैं, क्या रीज़न है, क्यों हमें पढ़ाई में क्या क्या बाधाएं हैं, क्यों हमको पढ़ाया नहीं जाता, इस तरह के सवाल ढूंढ के और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पढ़ाई के लिए कौन से स्कूल बनाए गए हैं? सरकारी, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है, है ना? टीचर आपको क्यों नहीं पढ़ाते, क्या बोलते हैं, क्या बोल के नहीं पढ़ाते आप लोगों को? हमारे स्कूल में बोलते तुम ऐसी सोसाइटी से, तुम बस्ती में रहते हो, इसलिए हमें कोसा जाता है, ताने दिए जाते हैं कि भाई तुम स्लम हो और तुम दलित हो। एक उससे ये बुरा लगता है कि भाई कि हमें हम क्यों ऐसे समाज में पैदा हुए, या तो इस समाज को कोई बदल दे या फिर इस समाज में पैदा नहीं होना चाहिए। Rising sharply, especially since the 1990s, in the last 25-30 years. If you want to see what kind of inequality we are talking about, all possible data sources have been collected. One of the dimensions that is very different in India compared to globally, when we look at more homogeneous societies, they only worry about rising income inequality. For us, we are already a very, very fractured society. We are divided on the basis of caste, very deep-rooted inequalities. We are divided on the basis of religion, and then across it all, of course, gender. So it's very worrying, and we think that all these layered, multiple inequalities, one on top of the other, will make it much, much harder in India to tackle inequality than it will be in other countries. Cultivating solidarity, it's not just for the sake of the underprivileged. It's not just for the koilawala, not just so that they can eat better and be less poor. And that is something in which all of us have a stake. The income inequality today is higher than it ever was before. And also the incomes at the top seem to be growing at astronomical rates, you know, something like 20 or 30 times the average national income. And what is also extraordinary is that a lot of that is not taxed. I mean, the top income tax rate in India is around 35%. There's no wealth tax, there's no inheritance tax. So basically the government is just watching as the richest of the rich are getting even richer at a very fast rate. I think there's a fair amount that the government can do. Firstly, to contain the concentration of income and wealth at the top, and perhaps even more importantly, it can do a lot more to provide social support to disadvantaged people. So better education facilities, better nutrition support, health, and various forms of social security. सुविधाएं देने की बात की जाती है हमारे समाज को, पर दी नहीं जाती। बहुत बहुत सारे वादे किए जाते हैं पर दी नहीं जाती। तो वो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि असमानता को टक्कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बराबरी का अधिकार है और तो बराबरी नहीं है, तो उसको बराबरी लाने के लिए हमको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अभी आपका ना
हम इतना मेहनत करते हैं, पर पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, अगर कोई पढ़ाना नहीं चाहता लड़कियों को कि बस 12th कर ली या 10th कर ली बहुत है, तो उन परिवारों को हम ग्रुप के ग्रुप समझाने जाते हैं। जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट आ जाएगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हम व्यर्थ कर रहे हैं, इससे एक बदलाव आएगा आने वाले समय में ज़रूर।